भोलेनाथ जी को मंदिर जाना, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, तो किस दिन चढ़ाएंगे? क्यों चढ़ाएंगे सोमवार को? भोलेनाथ जी मंगल को छुट्टी पे रहते हैं क्या? कि आज मेरी छुट्टी है, बस सप्ताह में एक ही दिन दर्शन देता हूँ। हनुमान जी को वो चोला चढ़ाएंगे तो देखो कितने समझदार हो। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर की लाइन नहीं टूटती, और बुधवार को हनुमान जी ऐसे ताकते हैं कोई एक आ जाए, कोई एक लड्डू दे जाए हमको, एक लड्डू पालें कहीं। कल थे वो सबरा पुजारी जी, ले गए, अब आज के लिए कुछ बचा नहीं है, तो बेचारे ढूंढते हैं कोई आ जाए बुधवार को। पर उस दिन हमारा कहीं और का अपॉइंटमेंट होता है। शनिवार को शनिदेव, देखो भैया कोई बुरा नहीं मानो, मानो तो मानो, कोई गलत कह दूं तो मानो। कोकिलावन आप सब देखा होगा, कोकिलावन को आप किसी और दिन चले जाओ, कोई नहीं मिलेगा आपको, और शनिवार को आप जाओ तो महाराज पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। बाकी छह दिन थोड़ी कहीं शनि देवता और जाते हैं, उस दिन भी तो वहीं पर हैं। भक्त कभी भी दिनों के हिसाब से भक्ति नहीं करता, और मैं तो उल्टा, ये मेरा मानना है, देखो ये कोई ना तो शास्त्र कह रहा है ना ये कोई महापुरुष, ये मेरा मानना है। अगर सचमुच आपको हनुमान जी के अच्छे से दर्शन करने, तो मंगल को मत जाओ, क्योंकि मंगल को तो ऑलरेडी इतने बिजी रहते हैं हनुमान जी। बुधवार को जाओगे फ्री मिलेंगे, आराम से बैठो उनके साथ, राम नाम का कीर्तन करो, बढ़िया से झांझ बजाएंगे आपके साथ, कीर्तन करेंगे राम नाम का। मंगलवार को तो हाय हेलो भी नहीं होगी ढंग से। देखो जो शास्त्रीय भक्ति की पद्धति है, मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ, भक्त कभी भी दिन देख करके नहीं, उसका हर दिन कृष्ण का है, उसका हर दिन राम का है, हनुमान का है, हर तिथि भगवान की है, हर घड़ी भगवान की है। उसको किसी विशेष समय से प्रयोजन नहीं है, उसे पर भगवान से प्रयोजन है। मैं तो वृंदावन के लिए भी बोलती हूँ, होली पर, जन्माष्टमी पर खूब भीड़ रहती है, लोग को इच्छा रहती है ब्रज की होली देखें, आ गए कभी देख गए एक बार, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे से कभी, जब थोड़ा, वैसे तो आजकल रहा नहीं कि वृंदावन में कभी खाली रहते हो ठाकुर जी, पर फिर भी प्रयास यही करें भीड़ से बचें। और अब भीड़ हम तो खत्म कर नहीं सकते जी मंदिरों की, वहां तो रहेगी, तो फिर क्या करें, तो फिर बस इतना करो, मंदिर में अगर आप प्रवेश करते हो, प्रवेश करो, बिहारी जी के सामने वैसे ज़्यादा देर खड़े हो नहीं सकते, दो मिनट भी खड़े हो गए, बिहारी जी को ऊपर से नीचे तक एकदम आँखों में भर लो, राधा रमन लाल जी ने आज क्या पहना है, कटी में क्या है, चरणों में क्या है, सब एकदम आँखों में आप बिठा लो, और फिर बिठा के भीड़ को वहीं छोड़ के कहीं एक कोना पकड़ लो मंदिर का, जहाँ थोड़ी स्थान हो और कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और वहां बैठ करके फिर आप भले घंटा भर दर्शन करो, कौन मना करता है, वहां बैठे बैठे दर्शन करो, वहां बैठे बैठे देखो, वहां भी कोई नहीं बैठने देता, मंदिर में भी जगह नहीं, तो देखो कितनी सुंदर कलकल छल छल बहती यमुना जी है, यमुना जी के किनारे पे जाके बैठ जाओ, यमुना जी के उन लहरों में अपने ठाकुर जी का, राधा रानी का करो दर्शन, भीड़ में धक्के क्यों खाने, दर्शन करके आ जाओ, फिर आराम से बैठो। मैं हमेशा कहती हूँ, जिसने वृंदावन में कभी जीवन में घंटा दो घंटा यमुना जी के चरणों में घाट पर नहीं बिताया हो ना, वो वृंदावन का रस ही नहीं जान सकता, या किसी वंशीवट, भांडिरवन ऐसे स्थान पर जाकर के जो थोड़ा समय बैठा ना हो, वहां जाके थोड़ा शांति से चिंतन न किया, वो क्या ब्रज का रस जानेगा, वो क्या वृंदावन का रस जानेगा, वो तो वह वृंदावन कचौड़ी पकौड़ी खाने जाएगा बस,
खाया पिया, मस्ती की, घूमे फिरे और फिर आ गए। ऐसे नहीं, ब्रज का रस बहुत ऊंचा है। उस रस को हमारे महापुरुषों ने जिस रूप से हमें दिखाने की कोशिश की है, उस रूप से देखिए, अपनी दृष्टि से नहीं, उनकी दृष्टि से देखिए। इसीलिए भगवत जो रसिक होता है, भगवत जो प्रेमी होता है, वो हमेशा एकांत ढूंढता है। एकांत का मतलब क्या होता है? एकांत का एक, एकांत एक का भी जहां अंत हो जाए, जहां एक भी ना बचे, मतलब जहां स्वयं भी ना बचे, ऐसा एकांत, ऐसा स्थान खोजकर। सिंहों के नहीं लहड़े, हंसों की नहीं पात, रत्नों की नहीं बोरियां, और साधु ना मिले जमात। साधु ज्यादा जमात में नहीं मिलेगा आपको। सिंहों के नहीं लेंडे, सिंहों के भी कोई आपको झुंड नहीं मिलेंगे, हंसों की नहीं पात और रत्नों की बोरियां। रत्न कोई बोरियों में भर के थोड़ी मिलता है, उसका तो कोई एकाद एकाद भी रत्न, एकाद हीरा डायमंड कोई हो तो कितना बढ़िया, उसको संभाल के रखती है, थोड़ी बोरियों में भर भर के मिल जाएगा। और साधु ना मिले जमात,